जीवन दर्पण ज्योतिष के सभी दर्शकों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि ज्योतिष और वास्तु हमारा प्रोफेशन है, जिसकी वजह से हम निःशुल्क जन्म कुंडली नहीं देख सकते। इस कारण से आपकी आने वाली कॉल पर हमें आपको मना करना पड़ता है, जिससे हमें भी कष्ट होता है और आपको भी परेशानी होती है। तो ये सोच करके हमने एक माध्यम निकाला है इसके बीच का, और वह ये है कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं YouTube के अंदर इन वीडियो के माध्यम से आपको स्वयं आपकी जन्म कुंडली के बारे में बताने की। तो आपको बस करना इतना होगा कि आने वाली सारी वीडियो एक एक करके आप देखते चले जाइए और अपनी जन्म कुंडली खोलकर रख लीजिए, और एक एक ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां बैठा है, उसके अनुसार आपके जीवन में उसका क्या फल आपको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है एवं बुरा, और जैसा भी मिल रहा है उसका उपाय क्या हो सकता है, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार नहीं, बल्कि लाल किताब ज्योतिष के अनुसार आपको आपकी कुंडली का फलादेश बताएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य ग्रह से शुरुआत करेंगे जो कि खाना नंबर एक में होगा, और वहां से शुरुआत करके हम दूसरी वीडियो में खाना नंबर दो, खाना नंबर तीन, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। मित्रों, अब सबसे पहले सूर्य खाना नंबर एक, और ये खाना नंबर एक जो होता है ये हमारी लग्न होती है लाल किताब की। अब जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपकी लग्न में सबसे टॉप पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको उस नंबर से कोई मतलब नहीं है। बस आप पहले घर को पहला ही घर मान के चलिए, उसमें चाहे अंक कुछ भी लिख रहा हो, बस आपको ये देखना है कि उस घर से गिनते हुए आपका जो सूर्य है वो कौन से घर में बैठा है, बस ये ध्यान रखना है। और जिस घर में बैठा हो उसी घर से संबंधित, उसी खाना नंबर से संबंधित आपका फलादेश होगा। तो राशि से कोई मतलब नहीं है, खाना नंबर से है, वह आप समझ लीजिए इस बात को। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सूर्य यदि खाना नंबर एक में होगा तो उसका क्या फल होगा और उसका क्या बचाव होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में नीच का होता है, और लाल किताब के अनुसार उच्च और नीच कुछ अलग तरह से तय होते हैं। तो पहले घर में सूर्य हो तो उसे उच्च ही माना जाएगा। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में लगन में 7 नंबर लिख रहा हो जिसमें सूर्य नीच का गिना जाता है, लेकिन लाल किताब के अंदर वो एक ही नंबर होगा। जैसे हमने बताया कि राशियां बदल सकती, वहां पर राशि नंबर बदल जाएंगे, लेकिन वह खाना नंबर वही रहेगा, एक ही रहेगा लाल किताब के अनुसार। तो यदि पहले घर में सूर्य बैठा है तो वह उच्च का ही होगा। अब ऐसे में जातक कैसा होगा, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर एक में बैठा है वह व्यक्ति कैसा होगा, ये जानते हैं सबसे पहले। तो पहले घर में सूर्य का होना अर्थात जंगल का एकमात्र राजा सिंह, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वह राजा हैं। वैसे जंगल में जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही वहां उच्च का बैठा हुआ सूर्य शेर की भांति होगा, हुकूमत करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति धर्म पर विश्वास करने वाला होता है, और कभी कभी यह भी देखा जाता है किसी दूसरे ग्रह के कॉम्बिनेशन की वजह से कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति धर्म से विमुख भी हो जाता है। अगर वह धर्म से विमुख हो जाएगा तो उसका पतन निश्चित है, उसको परेशानियां आएंगी उसके जीवन में, इसलिए ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा होना ही चाहिए। मित्रों, सातवें घर में यानी कि सूर्य जहां बैठा है उससे ठीक सातवें घर के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ होगा किसी कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता होता है वह बचपन में ही, छोटी उम्र में ही उसको छोड़कर चला जाता है, यानी कि पिता की मृत्यु होने की संभावना रहती है। किसी और ग्रह ने अगर इस चीज को संभाल लिया हो तो अलग बात है, वरना अधिकांश ऐसे योग बन जाते हैं। और यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हो सूर्य के सामने सप्तम में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भोग विलासना में बहुत ज्यादा भोग विलासना में विरक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है सूर्य का यहां पर फलादेश। इसके अलावा प्रथम भाव में सूर्य होने पर जातक का जो कद होगा वह ऊंचा होगा, लंबे कद का व्यक्ति होगा,
और निरोगी होगा, उसके शरीर में बहुत जल्दी कोई रोग नहीं लगता। और इसके साथ खास बात कि ऐसे व्यक्ति को कभी कोई ऑपरेशन नहीं होता, उसके शरीर में कहीं कोई कट का निशान नहीं होता, और यदि कहीं कोई कट का निशान हो और यदि ऑपरेशन हो गया हो तो समझ लीजिए कि सूर्य खराब हो चुका है उसका पहले घर में बैठा हुआ भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इससे पता चलता है कि ग्रह अच्छा फल दे रहा है अथवा वहां बैठ के खराब फल दे रहा है। इसके अलावा जातक में आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, चरित्रवान होता है, संतोषी होता है, साहसी होने के साथ साथ क्रोधी स्वभाव बहुत ज्यादा होता है ऐसे व्यक्ति का, सरकारी विभाग में होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है, यशस्वी एवं प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। ऐसे व्यक्ति की संतान कम ही होती है और वह स्वयं परिश्रम करता है, कभी अपने पिता की दौलत पर वह नहीं इतराता, वह स्वयं मेहनत करके अपना धन कमाने की पूरी कोशिश और चेष्टा करता है। इसके अलावा मित्रों, परंपराओं को मानने वाला होगा, शराब से नशीले पदार्थों से दूर रहने वाला होगा, और यदि किसी व्यक्ति में ऐसी लत है शराब पीने की तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा, और कानों सुनी हुई बातों की अपेक्षा वह देखने पर ज्यादा विश्वास करता है। तो अगर आपका खाना नंबर एक में सूर्य है तो ये फलादेश आपका बनता है। और ऐसे में पांच सावधानियां और पांच उपाय, वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको समझने चाहिए। तो पहले पांच सावधानियां सुन लीजिए। नंबर एक, दिन में सहवास से बचें, यानी कि दिन में पत्नी के साथ में सहवास ना करें, इससे क्या होगा, इससे रोग लग जाएगा। जिसका खाना नंबर एक में सूर्य हो ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरा, इंसाफ पसंद नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति तो वह बर्बाद हो जाएगा। जरूरी है कि हुक्म चलाते हुए जरूरत से ज्यादा नरमी ना बरते, यानी कि जिसका सूर्य खाना नंबर एक में हो ऐसे व्यक्ति को अगर वह किसी पे हुक्म चला रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो वो नरमी आवाज में ना दे, उसको हमेशा राजा की भांति हुक्म देना चाहिए, क्योंकि नरम हो जाएगा ऐसा व्यक्ति तो उसका सूर्य कमजोर होता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 24 वर्ष से पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना उसके जीवन में शादी होने के बाद में परेशानियां आती हैं। सूर्य अशुभ होने पर विवाह शीघ्र करना उत्तम होता है, जैसा मैं अभी आपको बताया। तो पति या, और चौथी सावधानी है, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। और पांचवी सावधानी यह है कि मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही घर से बाहर निकलें और अपने पिता का पूर्ण सम्मान करें। ये पांच सावधानियां हैं। और पांच कार्य कौन कौन से करने चाहिए वह समझ लीजिए कि घर के बाहर या कहीं पर भी लोगों के लिए प्याऊ या नल अवश्य लगवा दे ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य खान नंबर एक में हो। इसके अलावा सूर्य प्रथम भाव में जो है यदि हो तो ऐसे व्यक्ति को अगर सूर्य का फल नहीं मिल रहा है, जीवन में तरक्की नहीं हो रही ऐसे व्यक्ति की, तो अपना जो पैतृक घर है उस पैतृक घर में वह एक हैंडपंप जरूर लगवा दे, उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। और तीसरा, रविवार के दिन देसी खान, मसूर की दाल, सौंफ, छुआरे, शहद का दान उसको मंदिर में करना चाहिए। चौथा जो कार्य है वो ये है कि भगवान विष्णु की उपासना और सूर्य को अर्घ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए। और पांचवा, रविवार का व्रत ऐसे व्यक्ति को अवश्य रखना चाहिए जिसका सूर्य खान नंबर एक में है। तो मित्रों, अब आपने जाना कि सूर्य खान नंबर एक में हो तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और व्यक्ति कैसा होता है, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो ये सूर्य खान नंबर एक का फलादेश हुआ। दूसरी वीडियो में हम जानेंगे सूर्य खान नंबर दो में हो तो उसका क्या फल होता है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी। जय श्री राम।